नमस्कार, MPCG24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। शासकीय भूमि पर लगभग 10 वर्षों से निवास बनाकर रह रहे मनीष डोंगरे की भूख हड़ताल पर तहसीलदार माननीय राजेंद्र टेकाम वारा सिवनी द्वारा 20 दिनों के अंदर शासकीय भूमि का पट्टा और पीएम आवास योजना के तहत आवासीय आवास निर्माण के लिए राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उसके घर को तहस नहस करते हुए नुकसान की भरपाई करने का भी आश्वासन और उसके जब्त सामान को वापस करने की बात तहसीलदार द्वारा कही गई। इस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी बालाघाट और वारासिवनी विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी पृष्ठभूमि जिला अध्यक्ष माननीय देवराज भोयार, फौजी सचिन कुमार जिला महासचिव बालाघाट, जिले के वरिष्ठ नेता आजाद शास्त्री जी, विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, कैलाश मिश्रा, महासचिव राजा खोपरागड़े, एडवोकेट अशोक वासनिक, सुरेंद्र बरमाटे, BVF सह संयोजक मुख्य भूमिका में रहे। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा पीड़ित बेघर परिवार को ग्राम पंचायत स्तर पर निवास प्रदान करने की 1 महीने के लिए तात्कालिक राहत दी गई। हेलीकॉप्टर के नाम पे लगभग 20 पुलिस वालों की हत्या हुई और अपराध वहाँ पे मुख्य धारा का मुख्य विषय हो चुका है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है मोदी सरकार बीजेपी और शासित प्रदेशों में जो है हाशिए पे है। इससे सामान्य व्यक्ति का जीना जो है मुश्किल हो गया है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बहन कुमारी मायावती ने हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई है और बहुजन समाज पूरे देश के अंदर पार्टी के माध्यम से इस घटना की निंदा करके इसे इंसाफ दिलाने के लिए इस संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में जो आंदोलित है। कल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली जाएगी बालाघाट जिले में और उस आक्रोश रैली में बालाघाट जिले की पूरी विधानसभा शिरकत करेगी। वह रैली हमारे जिला अध्यक्ष देवराज भोयर जी के मार्गदर्शन में, अजाब शास्त्री जी के मार्गदर्शन में संचालित होगी। मैं जिला महासचिव फौजी सचिन कुमार उस रैली का के निर्देशन में मुख्य भूमिका में हम सब रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि पूरी आज देश की तमाम जमात और आवाम से हमारा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, रोजगार के हालात बिगड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का तेजी से निजीकरण चल रहा है, अन्याय, अत्याचार, शोषण जो है आज चरम पर, इस स्थिति से अगर उभरना है तो बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति से ही संवैधानिक नियम और सामान्य जीवन जो है बहाल हो सकता है। बीजेपी जो है मुख्य रूप से संविधान की मुख्य अवधारणा पर यकीन नहीं करती, वह उनकी कार्यशैली से समझ में आता है। इसलिए हमारा आगे की बात हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता साहब शास्त्री जी और जिला अध्यक्ष देवराज भोयर जी बताएंगे। शास्त्री जी बताइए कि आपने ये जो इसमें जो मामला जो नियुक्ति का हुआ है तो ये बहुत सजा बहुत निंदनीय है, घटना हुई है। हम उसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब भी आता है तब तक दलित पिछड़ी जाति के लोगों पर ये अन्याय किया जाता है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जी भोयर जी से मैं जुड़ना चाहूँगा, बताइए जी जो जो घटना घटी है इतनी निंदनीय है हाथरस की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राम का राज लाना चाहती है लोगों को, क्योंकि राम के राज की अवधारणा जो आए अभी तक समझ में नहीं है। तो रामराज के नज़र में रामराज है, जो राम का रामराज लाना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और सत्ता है वो पावर में, इसलिए वो समय समय पर ऐसा स्ट्रैटेज दिखाते हैं जो लिखा हुआ है मनुष्य मुद्दे के आधार पर ही उस देश में वो सत्ता चलाना चाहते हैं और वो वैसा ही कर रहे हैं जैसा उनके मनुष्य ने लिखा है। तो ये नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा पर विचारधारा है मनुष्य की विचारधारा का कानून तरीके से लागू करना है। बाबा साहब के कानून को परे रखकर वह रामराज कल्पना मनुष्य के कानून को मध्य रखते हुए मनीषा बहन का नाम मनीषा वाल्मीकि आश्वासन दिए कि 20 दिन के अंदर पे आपको पट्टा जारी किया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाएगा। आप संतुष्ट हैं इससे? और तत्कालीन तौर पर अभी निवास के लिए वहाँ ग्राम पंचायत में बोले हैं व्यवस्था करेंगे। अभी 20 दिन के बाद में अगर से पट्टा जारी या प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला तो फिर से अपन भूख हड़ताल करेंगे। अधिकारी के यहाँ पर पता चल रहा था वो आदेश के तहत वो मकान हटवाया गया था, जिसके संबंध में जो है भूख हड़ताल में बैठा था। इसके बाद इनसे अभी चर्चा हुई, चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं, रहने के लिए मकान नहीं है
और जो है इनके पास में अभी वर्तमान में जो है परेशानी से गुजर रहे हैं ये लोग, तो इनको आश्वासन अभी ये दिया गया है कि इनको एक जो है आबादी में पट्टा दिलाया जाएगा और पीएम किसान के तहत प्रयास किया जाएगा कि इनको जो है पीएम किसान की जो वो पीएम आवास की जो राशि मिले जिससे इनका मकान का निर्माण हो जाए। सर, इन्हें अभी भूख हड़ताल समाप्त करिए, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया इनको? ये अभी जो मैंने बताया ना कि इनको पट्टा दिलाया जाएगा आबादी में और पीएम आवास के तहत जो राशि मिलती है उसमें हम प्रयास करेंगे और उनको जो है उससे जो राशि दिलवाने का प्रयास करेंगे तो उससे इनको जो है राशि मिल जाएगी तो इनका मकान बन जाएगा आबादी। फिर ये इन्होंने और आरोप लगाए कि जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वहाँ 30 से अधिक और अतिक्रमित मकान है।